हरा जी कैसे हो? अनार गली बोलना मुझे। अरे धकेल रहे क्यों ना दादा? चलना खिसक ना मुझे। अरे राम राम आपके लेफ्ट में मैम, यहाँ लेफ्ट साइड मैम, लेफ्ट कॉर्नर मैम, यहाँ पर बोलो क्या पोस्ट करना? लेफ्ट कॉर्नर मैम, स्वराजी लेफ्ट में नहीं देखे। अरे लोग दबा रहे, दबा इधर देखना उसको उधर। स्वराजी अनार गली पोस यहाँ, स्वराजी एक बार आदाब। मैम बाइक्स कर ले ऑब्वियसली स्वरा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि निलबटे सन्नाटा के बाद इसकी ये मूवी अब रिलीज़ हो रही है सेकेंड उसके बाद। और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि लास्ट ईयर यही टाइम पे ट्रेलर रिलीज़ हुई थी हमारी एग्जैक्टली ये दिन पे,
तो ये बहुत बहुत अच्छा क्या मुझे नहीं पता, मे बी एक स्टार साइन है क्या है मुझे वो नहीं पता, पर मैं हमेशा चाहूँगी कि स्वरा के लिए सब कुछ अच्छा हो और ऑफकोर्स लोगों की दुआ मिले और सबको ये 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 जो स्टोरी ये जो पिक्चर है अनारकली आरा वाली बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है हमारे देश के लिए, एक स्मॉल टाउन में सेटअप किया गया है और निलपट्टे सन्नाटा से एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर निभाती है स्वरा, तो उसकी वर्सेटाइल जो है जो जितनी है वो वर्सेटाइल वो आई थिंक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिल्म से आई थिंक कि किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि एक साल के अंदर दो इतने विभिन्न किरदार करने का मौका मिले, तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस करती हूँ और खुशकिस्मत बात हूँ। मुझे लगता है दोनों ऑडियंसेस को अच्छी लगनी चाहिए। वैसे मुझे मतलब मेरा मानना है अच्छी कहानी किसी भी ऑडियंस को पसंद आती है और लहंगे में नाचती हुई लड़की से ज़्यादा कमर्शियल और एंटरटेनिंग कुछ हो नहीं सकता, तो हमारी फिल्म में वो भी है और अच्छी कहानी भी है और एक एक अननोन वर्ल्ड का एग्जॉटिसिज्म भी है मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए, सो आई थिंक इट्स लाइक अ फुल पैकेज। ओ माय गॉड, मतलब निलपट्टे सन्नाटा पार्ट टू वो बहुत तो है, हम तो तैयार, आप कहानी लाइए, दोनों यही है, अप्पू भी है, कहाँ गई वो, हाँ वहाँ पर है, नहीं अभी तक कभी सोचा नहीं, मुझे नहीं लगता कि निलपट्टे सन्नाटा को रिक्रिएट किया जा सकता है, वो एक ऐसी स्टोरी है और वो वन टाइम वाली चीज़ होती है ना कि एक बार बना दिया वो उसके बाद बरसों तक हम वही याद रखेंगे, भले ही आप उसका सेकंड पार्ट बनाओ या थर्ड पार्ट बनाओ पर रखेंगे याद आप वही चीज़ को। मुझे क्या बोलना है, मेरी फिल्म है, करेक्ट, यस, वो हम शायद दोहराने जा रहे हैं, एक साल पहले आज शाम में हमने ट्रेलर लॉन्च किया था निलपट्टे सन्नाटा का, मुझे वो फेसबुक से मालूम चला और आज एक साल बाद हम दूसरी फिल्म के साथ आए हैं, बट इनका आशीर्वाद है, सारा खेल इन्हीं का है। हाँ चलिए, क्या हो रहा मतलब कुछ फर्स्ट कट हो गया बीच में आप आइए। बहुत ही दमदार ट्रेलर है मुझसे, आई फाइंड स्वरा हिंदुस्तान में वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं आज के ज़माने में और आज के दौर में, और बहुत मज़ेदार लगा मुझे ट्रेलर, बहुत यूनिक लगा, अलग लगा नॉर्मल टिपिकल फिल्मों से, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट। वेल आई थिंक हर एक अच्छा कलाकार अच्छी स्क्रिप्ट में काम करने की के लिए देखता है और वो अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करता है, सो आई एज आई सेड दैट आई डू जेन्युइनली बिलीव दैट स्वरा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट वी हैव इन आवर कंट्री टुडे। आई नो फॉर फैक्ट कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को चुना है और आई लाइक टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस। आप मुझे सब डिफरेंट फिल्मों में देखेंगे। थैंक यू। हाँ
पे टर्न हो जाएगा। Thank you.